नमस्ते दोस्तों, आज हम फार्माकोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फार्माकोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम दवाओं और ड्रग्स के प्रभाव को समझते हैं, लेकिन इसके भीतर कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हैं 1. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। यह दवाओं के पेशेंट्स पर होने वाले प्रभाव और उनकी सुरक्षा का अध्ययन करता है। यह डॉक्टरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वे सही दवाओं को निर्धारित कर सकें और पेशेंट्स को सुरक्षित रूप से दवाएं दे सकें। यह क्षेत्र दवाओं के शरीर में कैसे अब्सॉर्ब्ड होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और कैसे एक्सक्रीटेड होते हैं, सब कुछ अध्ययन करता है। यह जानकारी डॉक्टरों को यह समझने में मदद करती है कि दवाओं को कब और कैसे देना है ताकि वे मोस्ट इफेक्टिव हों और उनसे कम से कम साइड इफेक्ट्स हों। 3. फार्माकोडायनामिक्स। यह बताता है कि दवाएं हमारे शरीर में कैसे वर्क करती हैं और बीमारियों का इलाज कैसे करती हैं। यह जानकारी डॉक्टरों को यह समझने में मदद करती है कि दवाएं कैसे बीमारियों से लड़ती हैं और उनके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हम दवाओं या रसायनों के साइड इफेक्ट और उनके हानिकारक प्रभावों का अध्ययन करते हैं। यह जानकारी डॉक्टरों को यह समझने में मदद करती है कि दवाओं को सुरक्षित रूप से कैसे इस्तेमाल किया जाए और उनके साइड इफेक्ट को कैसे कम किया जाए। 5. फार्माको एपिडेमियोलॉजी। यह क्षेत्र दवाओं के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और जनसंख्या पर होने वाले प्रभाव को देखता है। यह जानकारी डॉक्टरों को यह समझने में मदद करती है कि दवाएं कैसे लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और कैसे उन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थे कुछ प्रमुख फार्माकोलॉजी के प्रकार। प्रत्येक क्षेत्र अपनी महत्व है और दवाओं की दुनिया को समझने में मदद करता है। आप मुझसे और जानकारी चाहते हैं तो कृपया पूछें। धन्यवाद।